जनादेश 2024 विधानसभा चुनाव है। हालांकि चुनाव की गहमा गहमी पर्व त्योहार के बाद बढ़ेगी, लेकिन जो लोग सजग हैं, जागरूक हैं, वो समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमें वोट करना है और वोट किसको करना है। बहुत सारे लोग कंसर्न नहीं रखते हैं अपने समाज से, विकास से, कोई जीते कोई हारे, सिर्फ उनका काम होता है जाकर के फॉर्मेलिटी के तौर पर वोट देना। लेकिन जो हमारा बहुजन समाज है, यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल है, वो सजग है। हमारे साथ देखिए, जुगसलाई विधानसभा में मैं हूँ, जो जमशेदपुर का ही पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ युवा भी है, कुछ बुजुर्ग होने चले भी हैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए, सब लोग युवा लग रहे हैं मुझे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं? जुगसलाई सर। वाह, तो जुगसलाई का थोड़ा परिचय दे दीजिए कि पॉलिटिकल परिचय क्या है। सर, यहाँ का पॉलिटिकल परिचय तो अभी नॉर्मल लग रहा है, और यहाँ पे कई उम्मीदवार जो अपना अपना नामांकन दिए है, तो इसमें दो जन सबसे आगे लग रहे हैं फिलहाल। तो देखते चुनाव क्या प्रक्रिया मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि GMM अभी यहाँ पे है, जैसे मंगल कालिंदी यहाँ से MLA है, तो उन्होंने कुछ कार्य किया है, लेकिन कुछ कुछ में असफल। जैसे कि यहाँ पे पहला चीज़ है कि वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हुआ थोड़ा, दूसरा चीज़ कि रोड का काम थोड़ा अच्छा हुआ है, और अगर इसका स्टेट के वाइज देखा जाए तो काम थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है। जैसे कि हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ाई करें JSSC JPSC के, तो पेपर जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। हर बार पेपर होने के पहले लीक होने की खबर आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 8 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 7 बजे पेपर लीक हो जाती है। अब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते, दो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ख़त्म होता है, पेपर 2 आता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो पेपर कराने में बहुत फेल रही है। अभी तक में जितने ही पेपर हुआ है, कोई ऐसा पेपर नहीं है गवर्नमेंट बोल सकती कि हम सही से करवाए हैं। राज्य का सबसे बड़ा पेपर होता है, सबसे अच्छा पेपर है JPSC। कि हम रोज़गार देंगे सर, 5 साल में 5 लाख बोले तो 5 साल में 25 लाख बोले थे। मुझे ऐसा तो फिलहाल नहीं दिख रहा कि 25,000, मतलब क्लैरिटी से हो गया एग्ज़ाम, कि आदमी जो जॉब लिए वो खुश है कि हाँ, मतलब अच्छा से। जो फेल हुए, जैसे मान लीजिए हमने एग्ज़ाम दिया है, हम पेपर हुआ, अगर मान लीजिए मेरा जॉब हो गया, जिसका जॉब नहीं हुआ वो भी कंफर्म होकर नहीं बोल पा रहा कि अच्छा से एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि जो एग्ज़ाम किसी का 2 महीना बाद, किसी का 1.5 महीना बाद, किसी का 1 घंटा बाद, किसी का 15 मिनट बाद पेपर लीक होने का खबर आ जा रहा है। अभी JSSC CGL हुआ, पूरा इंटरनेट बंद हुआ, जिसके कारण काफ़ी कार वार उन लोगों का ठप हुआ है, उसके बावजूद उसका 6 बजे पहले ही पता चल गया पेपर लीक हो गया। अब बच्चे लोग बहुत प्योरिटी के साथ बाहर राज्य जा रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, बाहर राज्य जाने के बाद, बाहर मतलब अपने राज्य में दूसरे शहर जाके एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम चालू होता है, एग्ज़ाम खत्म होता है, उसके पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब ये चीज़ कैंसिल होने का डर सर, कैंसिल तो कन्फर्म होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट ये भी नहीं बोली कैंसिल करेंगे, अब आदमी को समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का प्रिपरेशन करे। अगर उसको मतलब अगर वेलफेयर का काम करना सोसाइटी में, तो कहा जाता है कि आप सिस्टम के अंदर घुसिए, सिस्टम में घुसने के लिए करप्शन है। चलिए, 1 मिनट के लिए आपसे विदा चाहेंगे, फिर आएंगे। आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, आप बताइए सर, ये महिला सम्मान योजना सरकार लाई है, घर में जो काम वाम करने वाले लोग हैं या गरीब गुरबा हैं, बहुत ज़्यादा तादाद होती है उनकी, उनमें क्या प्रतिक्रिया? उनमें प्रतिक्रिया, किसी को फोकट का पैसा मिलता है तो इससे अच्छा और क्या होता है, लेकिन जो पैसा देता है उसको पता चलता है ना कि देने में कितना दर्द होता है, लेने में तो कोई दर्द नहीं होता है। उससे फर्क पड़ रहा होगा कुछ सोसाइटी में काम वाम करने वाले? सोसाइटी में तो यही फर्क है ना, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग मान लीजिए कि हम लोग आयरन ओर्स वगैरह सारा कुछ काम करते हैं, आयरन ओर्स हो गया, जितना ओर्स मिनरल्स है उसको उठाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो आज के डेट में झारखंड में जितना भी माइंस है, लगभग माइंस जो है बंद पड़ा हुआ, लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है, बालूघाट है 5 साल से शहर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं है, लेकिन एक भी बालूघाट का नीलामी नहीं हुआ है, नहीं उसका क्या बालू खरीद रहे। हाँ, मतलब अगर बालूघाट बंद है, उठावा नहीं हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से हो रहा है? इसका मतलब सरकार जो है वो चोरी छुपे पैसा कमा रही है, बालूघाट का ये का न्यूनीकरण नहीं कर रही है और पैसा कमा रही है। आयरन ओर का काम बंद है, सारा माइंस बंद है, लेकिन माइंस से माल उठता है तो डायरेक्ट रूप में पार्टी को और ये को पैसा जाता है। इसमें तो खाली राज्य सरकार का कोई अहम रोल नहीं है, तो केंद्र सरकार को भी पहल करना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ही तो ये होगा, अगर राज्य सरकार पहल नहीं करेगी तो क्या कर, बालूघाट पे केंद्र सरकार का क्या ये है? बालूघाट तो राज्य सरकार को ये करना होगा ना, कोई भी योजना बना के। नहीं, मैं आयरन और मिनरल्स का जो है, अगर कोई योजना बना के राज्य सरकार उसको अगर भेजेगी तब ना कुछ होगा, ये 5 साल से ज्यादा बंद पड़ा हुआ। मान लिया सरकार आ जाती है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो क्या उम्मीद करना चाहिए कि पूरा माइंस
सब सुचारू हो जाएगा? पता नहीं, 5 साल पहले जो बंद हुआ था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जी के सरकार में क्यों नहीं हुआ सुचारू? तो 15 साल से बंद। हाँ, तो 15 साल से बंद है तो किसी को काम करने का ये नहीं है। सारे पार्टी वाले लोग जो है, जितने भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, सब अपना पॉकेट भर रहे हैं, किसी को तो कोई ये नहीं है वोट देने के लिए। आप बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या दिक्कत है मौजूदा सरकार? अब आपने कहा हम युवा हैं, तो आप खुद जानते हैं हर साल 5 लाख रोजगार देने की बात थी। भाई ने कहा 5 साल में 25 लाख, 2500 लड़कों को मिला है क्या रोजगार? रोजगार मांगने गया छात्र तो उन्होंने कहा गया टेंट हाउस खोल लो, अंडा बेच लो, चाय बेच लो। हम चाय बेचने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ बसंत सोरेन चाय बेचेंगे क्या? अपने भाई को विधानसभा भेज दिए, राज्य में मंत्रालय दे दिए, और कोई युवा नहीं है? जब आपने कहा कि रोजगार देंगे, रोजगार नहीं है तो टेंट हाउस खोल लो, बैल चला लो, बकरी बेच लो, चना बेच लो, हम तैयार है, विधानसभा के बाहर चाय बेचेंगे, मेरे साथ बसंत सोरेन बेचेंगे चाय? हाँ, ये ढोंग रचना बंद करिए मुख्यमंत्री जी। क्या मैया समान योजना लाएं? आधी महिला को मैया समान योजना का लाभ मिल रहा है और आधी मैया को नहीं मिल रहा है। मैया समान योजना लाएं और विधवा महिलाओं का और वृद्धा महिलाओं का पेंशन आज 4 महीने से बंद है, वो महिला दर दर भटक रही है। मैया समान के नाम पे आप क्या ढोंग रच रहे हैं? किसको आप धूर बना रहे हैं? ये सारा परपंच है। बालूघाट का बात किया भाई साहब ने, बालूघाट अब तक नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, सामने जुक्सलाई पार्क बना हुआ, कैमरा को नीचे करिए, ये धूल मिट्टी में हम लोग खड़े हैं। यही विकास है झारखंड मुक्ति मोर्चा का? इसी विकास के नारे लगाकर आपने जनता से वोट लिया। सामने जुक्सलाई पार्क है, देखिए लोग महिलाएं गिर रही है, पार्क में आ रही है, जर्जर स्थिति है, बाथरूम टूटा हुआ है, ये विकास दिखाइए ना, ये सब विकास कहाँ विकास हुआ है ना? रोज छात्र ठगे गए, महिलाएं ठगी गई, बुजुर्ग ठगे गए, युवा ठगे गए, कितने लोगों को आपने ठगा है मुख्यमंत्री जी? और ऊपर से जब रोजगार मांगने गए, पहला पूरे देश में ऐसा घटना हुआ जो एक वर्दी वाले को वर्दी वाले से पिटवा दिया। सहायक पुलिस अपना हक मांगने गए और वर्दी पहनकर एक खाकी वर्दी उस पर लाठी चला रहा है। ये देश का, पूरे वर्ल्ड का एक पहला घटना है कि एक वर्दीधारी एक वर्दीधारी को लाठियों से मार रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। क्या इसी उम्मीद के साथ बुजुर्गों ने अपना आंदोलन, झारखंड आंदोलनकारियों ने आंदोलन करके झारखंड राज्य को बनाया था? शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को? आंगनबाड़ी सेविका को पिटवा दिए, आशा महिला जब गई आपसे मांगने तो उसको पिटवा दिए। आज नारा लगा रहे हैं कि हर हर घर हेमंत, हर घर हेमंत, क्या हेमंत? हर घर हेमंत आ गया, भागना बांग्लादेश बना दीजिएगा आप। पूछिए आप मीडिया से, पूछिए हेमंत सोरेन जी को कहाँ गए आपके रोजगार के वादे? मैया समान योजना लेकर क्या है वो चंपाई सोरेन जी लाए, उनको आप आनंद फानंद में हटाकर अपना बैनर लगा दिए। 28 करोड़ छपा था उनका, चंपाई सोरेन जी का झोला जिसमें राशन बंटना था, केंद्र सरकार का राशन को अपना झोला में पोस्टर में लगवा के आप बंटवा रहे हैं, वो 28 करोड़ कहाँ है? किसका पैसा का वो झोला को नष्ट किया गया था? जनता के, आम आदमी, हमारे और आपके पैसे का। 2 मिनट के लिए आप अपना नया सब्जेक्ट चुन लीजिए, फिर आपके बारे में। आपके मोबाइल की लाइट जल रही है, मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं आप बताइए कि किस तरह से आप मौजूदा व्यवस्था, मौजूदा सरकार से खुश हैं अगर तो बताइए, नाराज हैं तो बताइए। नहीं देखिए, खुश और नाराजगी का बात ही नहीं है, मेन चीज़ है कि व्यवस्था बहुत ही चरमराया हुआ है। और मैं जुक्सलाई विधानसभा से आता हूँ, जुक्सलाई विधानसभा में रहता हूँ। जुक्सलाई विधानसभा मंगल कलंदी 4.5 साल से, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, 5 साल समझ लीजिए, 5 साल में ऐसा कोई काम ना बताया होगा, खुल के बता दे कि हम ये काम किए हैं। जिस इलाके से इसको खुल के वोट मिलता है उस इलाके का हाल जाके देखिए, आज मुस्लिम क्षेत्र पूरा झंझर पड़ा हुआ है। पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 ठो जल मीनार लगाए हैं, वो भी छोटा छोटा। आप इस मुद्दा पर चलिए, आप सरकार के मुद्दे पर, सरकार में कोई ऐसा काम बता देगा खुल के, हाँ हमने ये काम किया है और इस व्यवस्था पे हुआ है। सारे काम को अधूरा पे रखा गया है, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विशाम, आप बताइए सर कि क्या आप इस बार सोच रहे हैं कि बदलाव होगा, किस पैमाने पर होगा? बदलाव तो होना चाहिए, जो भी हो, अगर केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार का साथ अपना सरकार बनती है तो दोनों मिल के काम करेंगे, इससे काफ़ी फायदा होगा। बस यही है मेरा वक्तव्य। पहले भी काम हो चुका है, रघुवर दास जी तो आप ही के शहर में थे, कितना बदलाव महसूस किया? बहुत बदलाव होता, ऐसा कोई नहीं है कि बदलाव नहीं था।
लेकिन कुछ कमियां रहती है, सभी में कमियां रहती है, ऐसे नहीं कि कमियां रहते नहीं, वो कमी दूर करने के जब नौबत आया तो सरकार पलट गए। इसीलिए हमें चाहे कि एक बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सरकार चलाएं तो आगे जाकर खूब फायदा होगा। ऐसा क्या सरकार चलाए कि अपने ही विधानसभा चुनाव हार गए? हार गए उनका देखिए, सबसे बड़ा होता है जनता जनार्दन, जनता जिसे वोट देगी वो जीतेगी। जनता को लगा उस टाइम की रघुवर जी से नाराजगी चल रही थी, जो भी हो, जो भी मुद्दा था उसका चलते वो हार गए। इसका माने नहीं कि आगे जाकर देखिए इस बार के चुनाव, बदलाव के चुनाव होना। इस बार क्या लग रहा है जमशेदपुर में? आप कितने दिग्गज दिग्गज लोग सब खड़े हैं, उनकी बहू भी है चुनावी मैदान में, इधर बन्ना गुप्ता जी है, सरजू राय जी है, क्या लग रहा है? जनता कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं, कंफ्यूज नहीं है, जनता कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते हैं। जनता जिसे चाहे, जनता जब मन बना लेती है कि इन्हें हमें इनको जिताना है, उन्हें जिताते हैं। जनता का कभी कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन हाँ, जनता कभी कभी लगता है कि नहीं हमें इन्हें नहीं, हमें को बदलाव सरकार चाहिए, हमें हमको काम का चाहिए। जब उनसे ठगा जाता है तब आगे जाके कुछ अपना उपाय बैठाते हैं। निराशा होती है? निराशा होते, एकदम निराशा होते हैं। 5 साल का इंतजार करना पड़ता है? एकदम 5 साल का इंतजार करते, उसमें तो कोई बदलाव होता नहीं है। इसीलिए हमें चाहे कि देखिए क्या होता है। चलिए सर, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड आइए, आप बताइए इन लोगों ने जो बात की सब आप सुन रहे थे, कुछ आप नई बात बताइए कि चुनाव में चल क्या रहा? चुनाव में बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है, और लोग जो है, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के बीच में रहने वाला जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता का समस्या सुनता है, रोड नाली सड़क ये तो आजीवन समस्या चलता रहा है, आज तक ये समस्या कभी चेंज नहीं हुआ है। तो मगर हमारा जो जनप्रतिनिधि है, ऐसा नहीं कि हम जनप्रतिनिधि ऐसा चुन दें कि हमको 5 साल दिया बत्ती लेके उसको खोजना पड़े। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जनों को बीच में रहे, जब आदमी चाहे तब उसको कुछ भी आदमी सेवा ले सकता है, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए हमारे बीच। और अभी का समय का जो जनप्रतिनिधि है इस प्रेजेंट में जो हमारे क्षेत्र में है, वो जनप्रतिनिधि जो इजी वे में अवेलेबल है, इजी वे में अवेलेबल हो, किसी पार्टी का हो, किसी का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। मगर उनका कार्यकाल जो है, लोगों का समाज के प्रति इतना, उन्होंने लोगों का TMS का बिल माफ़ कराना हुआ हो, या किसी का सेवा करना हुआ हो, या छठ घाट बनाना हुआ हो, या गोविंदपुर में मंदिर बनाना हुआ हो, वो कौन JMM का पार्टी के हैं? वो तो सनातन धर्म का पार्टी का तो नहीं है, मगर उसने हर क्षेत्र में हर लोगों के साथ खुलकर काम किया है, और कदम से कदम मिला के उनका साथ दिया है, उपलब्ध रहते एकदम 24 घंटा उपलब्ध है। रात को 2 बजे भी उनको याद कर लीजिए, वो ऐसा विधायक है कि आपके दरवाजे में आ जाएंगे, चाहे मरनी हो चाहे जीनी हो, बच्चा का मुझुट्ठी हो, वो विधायक आपके लिए सर पर ही खड़ा है। जो जनता के बीच में जा जाके बोल रहा हो कि आपको कोई तरह का समस्या हो तो हमको बताइए, ऐसा जनप्रतिनिधि जो मिला है आज तक जमशेद जुकलाई विधानसभा क्षेत्र से, अपने जुकलाई में मैं रहता हूँ, 1 रुपया का चंदा उन्होंने आज तक नहीं काटा है। हम बे बिल्डर हूँ, हमसे आज तक 1 रुपया का चंदा नहीं लिया गया है, ठीक ना? तो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। जनप्रतिनिधि आ जाए और हम लोग पे शोषण करने लगे, फलनवा को भेजो रे, फलनवा साहब को भेजो रे, उसको भैया कागज चेक कराओ रे, ये सब हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाह रहा था, भाई साहब ने जैसे बोला कि 1 रुपया चंदा नहीं काटा है, मैं ऐसा ऐसा दिखाऊंगा चंदा काटते हुए जनप्रतिनिधि के नाम पे कि आप बोलिएगा तो जितना टाल है सबसे चंदा उठता है, स्लिप से राजनीतिक चंदा नहीं उठा जाता है, कोई भी राजनीतिक दल स्लिप से चंदा नहीं उठता है। लेकिन मैं गवाह दिलाऊंगा, बोलिए 10 टाल वाला से दिखा दूंगा कि वो लोग पास जाके बोला जाता है कि इतना पैसा चाहिए, जनप्रतिनिधि ने बोला ऐसा प्रोग्राम करना है, ये सब झूठ बात है कि हमेशा ये रहता है। आप मुजुट्ठी कर में जाओ, वो आपका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन जनता के लिए आपने क्या किया? जहाँ जहाँ से आपको वोट मिला, आपको भरपेट वोट मिला, आपको मुस्लिम जैसे है, मुस्लिम जैसे भरपेट वोट मिला आपको, समझ गए? मुस्लिम जैसे हम पार्टी में नहीं है, कोई बता दे कि हम JMM में है, आसू में है, हम पार्टी में नहीं है, हम किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ये मंगल हृदय परिवर्तन, हाँ सीसी थे, मंगल कालीन जैसे कुछ बन बन हुआ होगा तो आज आसू के सीसी बने हुए हैं। तो ये लोग बनने का बात नहीं है सर, बात ये है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तब ना मैं उसको छोड़ा, अगर मेरे साथ कोई गलत नहीं होता तो मैं इसको क्यों छोड़ता? हम तो भाई आम पब्लिक जिताने में नहीं, आप पब्लिक नहीं, आप पार्टी के आदमी है, आप पार्टी के नाम ले रहे, पार्टी के आदमी है, आप पार्टी कैसे बोल रहे हैं एकदम? आप तो बोल रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम में है, ऐसा बात नहीं है जी। नमस्कार, मैं जुगसलाई नगर परिषद का रहने वाला हूं। मुझे राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय राजनीति में बहुत रुचि नहीं रही है, बस मैं ये लोकल जो अपना चुनाव होता है हमारे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के, जो हमको विधायक चुनना है,
तो जैसा भाई साहब ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक जो है बहुत थोड़ा सा दिक्कत है, पैर टूटा हुआ है, बहुत सावधानी से उपलब्ध रहता है। देखिए, एक जो जनप्रतिनिधि होता है उसमें तीन विशेषताएं होनी चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि उसके पास विजन होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि सहज उपलब्धता होनी चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए कि 5 साल में विकास का कार्य करे। तो मैं जहाँ तक विकास कार्य की बात है, अगर जनता कुछ भी बोले, आप जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अपने से स्वतः कैमरा लेके घूमिए तो आपको पता चलेगा कि सड़कें बनी हुई हैं, थोड़ा सा पैर टूटा हुआ ना इसलिए, एक एक सड़कें बनी हुई हैं, सारी जो गंदगी पहले हुआ करती थी अब वो नहीं है। आप जिस जगह खड़े हैं इसके बगल में बना हुआ, उनके द्वारा बनाया गया हुआ, जुगसलाई में दो ही मैदान थे, एक ईदगाह मैदान मुस्लिम क्षेत्र में, एक आरपी पटेल स्कूल हिंदू क्षेत्र में, दोनों पे आप जाकर देखिए सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। ये काम हुआ है मतलब बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसे विधायक है कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा छठ घाट का निर्माण इन्होंने करवाया है, सबसे ज़्यादा मस्जिदों में भी विकास करने के लिए चंदा इन्होंने अपने निजी पैसे से दिया है, और किसी भी वक्त आप ढूंढेंगे तो ये लग रहते हैं। 25 साल इनसे पहले 25 साल JMM के भी विधायक थे, आंसू के भी विधायक थे। आप आम जनता से राय ले लीजिए कि कितनी आम जनता उनको पहचानती है या कितने लोगों से मिले थे। अब क्या है कि लोकल चुनाव को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे राज्य स्तर पे तुलना करने लगे तो ये आम जनता की मूर्खता है। हमें तो अपना लोकल प्रतिनिधि, क्योंकि एक पुरानी मुहावरा है कि बूंद बूंद सागर भरे, अगर बूंद से सागर भरना है तो हर विधानसभा में मैं अनुरोध करता हूँ कि पार्टी को भूल जाइए, जो आपका बेहतरीन प्रत्याशी है उस क्षेत्र में उसको चुना जाए। जैसा आप केंद्र की उदाहरण लेंगे, 58 मंत्री होते हैं, 58, लेकिन आम जनता से पूछेंगे तो 4 या 5 का नाम जानते हैं, उसमें भी तारीफ सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, नितिन गडकरी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, विजन किया है। उसी तरह हमारे 81 विधायक में झारखंड में, अगर किसी विधायक के पास विजन है, उपलब्धता है, काम करने के डिटर्मिनेशन हो तो मंगल का लेंदी है। आपको जैसा जानकारी होगा कि सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा जो है विधानसभा जुगसलाई विधानसभा है, उसके बाद भी खंड खंड में बटा हुआ, अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ है, फिर भी प्रतिदिन जो है विधायक पूरा का पूरा क्षेत्र कवर करते हैं। ये उनकी विशेषता है, उपलब्धता है, और बहुत ही सहज तो है ही है। तो हमें जुगसलाई की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप अपना विधानसभा देखिए, हर विधानसभा अपना एक बेहतरीन, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी का हो, अगर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक आम जनता हूँ मैं तो। यही कह रहा हूँ कि अगर 81 के 81 लोग किसी भी पार्टी से, अच्छे विजन अच्छे सोच के लोग होंगे तो राष्ट्र का, राज्य का, क्षेत्र का विकास तय है। धन्यवाद। सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं हमको जो मौजूदा विधायक की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नाराज बताए जाते हैं, आप अपना क्या ओपिनियन रखेंगे, क्या काम, मुद्दे के आधार पर बात कीजिए कि क्या दिक्कत क्या हुई है, क्या काम नहीं हुआ है? सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 भारत को धन्यवाद देता हूँ जो आप इस चुनावी माहौल में इस तरह का कार्यक्रम जुगसलाई में रखे हैं। देखिए, जिसका जैसा विचार है वो अपना मत रख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक ऐसा होना चाहिए कि खाली जो जन मुद्दों को उठाए, जन सेवा करें, सिर्फ शादी में अरेंजमेंट में जाके शामिल होना, लोगों से मिलना और वहाँ पे स्टेज पे चढ़ के ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने से विकास नहीं होता है। विकास करना है तो आपको जनता को सुनना पड़ेगा, जनता को समस्या को विधानसभा में रखना पड़ेगा, और जुगसलाई का अगर विकास करना है तो मुद्दों पे आना होगा। ये सरकार और ये विधायक खाली शिलापट की राजनीति करती है। अब जगह जगह देखे, मैं आपको 2-4 जगह बता देता हूँ, परसूड़ी से लेकर गोविंदपुर का सड़क, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व विधायक थे आंसू के, उनके अनुशंसा पर वो रोड पास हो चुका था, वहाँ उनका शिलापट भी लग चुका था, उसके बावजूद चुनाव आ गया, चुनाव हारने के बाद वो काम रुक गया किसी कारणवश, उस पर अपना बोर्ड लगा के अभी पास करवा, लेकिन अभी 4.5 साल हो बीतने के बाद अभी उनको होश आया जो वो सड़क आने जाने लायक है नहीं, आदमी को चलना जीना मुश्किल हो गया है वहाँ पर, महिलाओं का, पेशेंट का, कोई पेशेंट अगर गोविंदपुर से TMH भर्ती होने आता है तो रास्ते में डेथ हो जाता है, ऐसा हालत है। अभी भी शिलापट रखने के बाद भी वो सड़क बन पाया है क्या?
आज 4.5 साल में जब ये सरकार बनी थी तो बड़े बड़े वादों से करके आई थी, जो हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसका घर नहीं है 3 कमरे का मकान होगा, जिसमें पंखा भी होगा, बिजली भी होगा, माँ बाप के लिए अलग रूम होगा, पति पत्नी के लिए अलग रूम होगा, बच्चों के लिए अलग रूम होगा, शौचालय भी होगा। आज 4.5 साल बाद उन्होंने एक अबुआ आवास योजना लागू किया, और इनके इससे पहले इनका घर घर जाके एक स्कीम था, आपकी सरकार आपके द्वार, जा के सबका घर सर्वे किया, लेकिन इन्हें ये पता नहीं लगा पाए कि किसको घर देना चाहिए और किसको घर नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को घर मिल रहा है जो सबसे संपूर्ण है, जिसको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। आज जुगसलाय जो स्वास्थ्य केंद्र है, आज ये महिला सम्मान योजना 4.5 साल बाद एक जुमला है, एक मतलब वोट लेने का एक तरीका है। 4.5 साल सो रही थी, आपको महिला नहीं दिखा, युवा नहीं दिखा, मतलब रोजगार नहीं दिखा। 4.5 साल बाद जब आपको इलेक्शन सामने आया, तब आपने एक महिला सम्मान योजना लागू किया, 1000 रुपया पर मंथ देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ, इन्हीं की सरकार में जो गठबंधन में है, कांग्रेस की सरकार है, उनके मंत्री है, मतलब मौजूदा भी मंत्री है इरफान अंसारी, वो हेमंत सोरेन के भाभी जी को कहते हैं ये रिजेक्टेड माल है, क्या वो महिला नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की भाभी सुनीता सोरेन महिला नहीं है? उनका सम्मान करना नहीं है? महिला सम्मान के नाम में हम 1000 रुपये दीजिएगा, वो सम्मान हो गया 1000 में क्या? और 1000 रुपये दे रहा है, इधर देखिए जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, 4 से 5 महीना नहीं मिल रहा है। बस विश्राम कीजिए, कुछ कह रहे थे सर, हम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? भैया ने कहा कि वो मतलब आम आदमी है, जेएमएम के लिए कोई वोट मांगे हैं 2019 में भी, अभी भी मांग रहे हैं, तो ठीक है, वो अच्छी बात कह रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। कैमरा को नीचे करिए, उनको खड़ा होने में दिक्कत हो रहा, थोड़ा सा उनको पैर ठीक नहीं है, जमीन भी दिक्कत है, देख लीजिए कैमरा। आप विकास की बात कर, जाइए केक काट देंगे, 512 केक काटे हैं 5 साल में, 510 को घर में जाके शादी में खा लिए, वो विकास की बात है? आप क्षेत्र के विकास देखिए ना, बगल में एक मूर्ति है, वो ऐसी वो ढका हुआ है, वहां से नाला का पानी बह रहा है, मूर्ति पे टच हो जाता है, ये शहीद का अपमान विकास है? कब तक आप विकास के नाम पे लोगों को दूर बनाएंगे? आप युवा हैं, आप भी आगे जुड़िए, आप बताइए युवाओं का क्या हिस्सेदारी है, मौजूदा सरकार में क्या क्या मिला? मौजूदा सरकार में तो युवाओं को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ठगने का काम किया गया है युवाओं को। 5 साल में नौकरी का बात किया था कि 5 साल नौकरी देंगे, मगर हमें नहीं लगता कि 500 नौकरी भी मिला होगा युवाओं को। और सिर्फ पेपर लीक, 5 साल में 2 बार 3 बार सिर्फ एग्ज़ाम कराए, उसमें भी 2 बार पेपर लीक, ना रिजल्ट की घोषणा ना ही कुछ मिला है। और वैकेंसी के नाम पे इस बार भी बोला गया है कि वैकेंसी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जेएमएम सरकार युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करी है, 5 साल से युवाओं को सिर्फ ठग रही है, और उसके अलावा जेएमएम का कोई मुद्दा नहीं है। सामने में पार्क बना हुआ है, पहले ये पार्क जब खुला था ये निःशुल्क था, इसमें 1 रुपये नहीं लगता था, लेकिन ये 4 साल के बाद जब ये उद्घाटन अभी फिर से किया गया, इसमें सुबह 5 रुपये दिया जा लेना देना पड़ता है, नहीं तो अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। वही ये पार्क में पैसा लग रहा है, उसके बाद इसके अलावा आप पार्क बनाए आपका पसुड़ी में, वहाँ आपका जगह देखिए, रोड देखिए, रोड का जगह पार्क बना दिया गया, हमेशा डेली शाम में जाम लगा रहता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का कि दीपावली के दिन शॉपिंग करने आए हैं आप, और अपना जो राजनीतिक फर्ज होता है उसको अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, देखिए भाई साहब को देखिए, इनके पैर में चोट है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल डिबेट में आपने हिस्सा लिया। लास्ट लाइन आप ही से। अंतिम लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि 18 साल जो है भाजपा की सरकार ने इस झारखंड पे राज किया, और आज 5 साल जेएमएम की सरकार राज की, आज ये आरोप लग रहा है कि पिछले 24 साल में कोई काम नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं तो उन मुद्दों पर लड़िए। अब राजनीति चल रही है, घर घर जाके बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये स्थिति आ गई कि इनके पास मुद्दे तक नहीं है, लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जाकर घर घर ये बताया जा रहा है कि अब बटोगे तो कटोगे। इस लॉजिक पे जो काम कर रहे हैं उनका क्या चुनावी लोगों की राय? सर माथे पर,
जो लोग बोलते हैं वही होता है, पीपुल्स वॉइस, और लोकतंत्र में इसकी बड़ी अहमियत है। हमने जुगसलाई में कभी सोचा भी नहीं था कि इतने प्रबुद्ध लोग हमको आकर के मिलेंगे और अपनी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि लगातार फेस्टिव सीजन है। बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपने कैमरामैन सहयोगी हेमंत और स्थानीय संवाददाता प्रवीण के साथ बैक टू द स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।